जेल भी याद करेगा किस दिलेर माँ का दिलेर बेटा यहाँ पर रह कर गया है। अटक की आवाम, आप इलेक्शन सुबह करवाएं, आप हफ्ते बाद करवाएं, 6 महीने, साल, 10 साल बाद करवाएं, ये अटक की आवाम जवाब देगी कि यहाँ कौन बब्बर शेर रह कर गया है। वो नहीं जो पिंजरों में रहने वाले अब एवन फील्ड्स के अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वो वाले नहीं, एक बब्बर शेर अटक की जेल में बैठा हुआ है। मैंने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया, ये मैटर नहीं करता। मुझे अंदर आके ये बताना है कि मेरी कौम के लिए तुमने क्या किया, क्या 90 दिन में इलेक्शन लिए तुमने? पार्टी को एक ही हिदायत है, खान साहब पे कोई फोकस नहीं, आवाम के हकूक के लिए लड़े, ये होता है लीडर, ये होता है एक विजन। खान साहब को जो खबर मिली सजा मोतली के हवाले से और आज इमरान खान की हमशीरा अहलिया की मुलाकात भी हुई, खान साहब की क्या जज्बात थे, क्या जवाब था खान साहब? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं अटक जेल के बाहर मौजूद हूं। आज इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो गई, साइफर के मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई। मेरे साथ बिलाल उमर बोदला एडवोकेट मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इमरान खान सुरहरू हो गए, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज कौम ने देख लिया कि जज दलावर ने जो एक झूठा और आयन कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था वह सस्पेंड हो गया है। लेकिन इस कौम, इस मुल्क की बदकिस्मती है, यहाँ कोई आयन नहीं बचा। आज जज दलावर पार्ट टू मोहतरम हसनाज साहब आ गए हैं, उन्होंने एक आदमी जो जेल में मौजूद है अपने दफ्तर से ही एक जुडिशल रिमांड का आर्डर निकाल दिया है। ये हमने तो पहले कभी नहीं देखा था कि जब तक मुल्ज़िम कोर्ट में पेश ना हो उसे रिमांड उसका दिया जाए, लेकिन ये कोई न्यायिक कानून बना रहे हैं। जज दिलावर पार्ट टू स्टार्ट हो गया। लेकिन एक बात मैं बताना कहना भी बल्कि सबको चाहता हूँ कि जितना जुल्म कर रहे हो 24 दिन खान के, ये एक एक दिन का हिसाब देना है, ये आप अपना हिसाब बढ़ा रहे हैं। खान 24 कभी 48 भी रह लेगा, ना उसके प्लेट लेस कम होंगे, ना उसका जज्बा कम होगा, ना उसके मानने वाले टूटेंगे, लेकिन इस एक एक सेकंड का हिसाब तुम्हें देना पड़ना है। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये भी सारा कुछ इधर लिखा जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला वक्त सदा एक जैसे नहीं रहते, इंशाल्लाह जब वक्त बदला तो एक एक आदमी कटहरे में आएगा जो इस जुल्म का, जो इसने जुल्म हिस्सा किया, जिसने ये जुल्म अदा करने में अपना किरदार अदा किया। अभी इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान से मुलाकात हुई है, बुशरा बेबी की इमरान खान से मुलाकात हुई है, खान साहब का हौसला क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं खान साहब? खान साहब का हौसला, जब ये खान साहब को ये जो हैं सारे इतने हौसले में देखते हैं और देखते हैं कि ये आदमी नहीं टूट रहा तो ये पागल हो जाते हैं। खान ने तो पहले दिन ही कह दिया था कि मैं 1000 साल भी अंदर रहूँगा इस कौम की खातर, इस कौम को आज़ादी दिलाने की खातर, इस कौम को इसका हक लेके देने की खातर। जब हमारे कई पहली टीम गई थी, खान साहब ने कहा था मेरी हालत बाहर पार्टी बिल्कुल डिस्कस ना करे, जिस मकसद जिसके लिए मैं कुर्बानी देने अंदर आया हूँ अपना फोकस उस पर रखना है, मेरे पर नहीं रखना। मैंने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया, ये मैटर नहीं करता। मुझे अंदर आके ये बताना है कि मेरी कौम के लिए तुमने क्या किया, क्या 90 दिन में इलेक्शन लिए तुमने? पार्टी को एक ही हिदायत है, खान साहब पे कोई फोकस नहीं, आवाम के हकूक के लिए लड़े, ये होता है लीडर, ये होता है एक विजन। उसको अंदर अपनी कोई परवाह नहीं, वो कहता है मेरी कौम को 90 दिन का इलेक्शन लेके दो, जो मेरी कौम के जो इस महंगाई, आप देख रहे हैं नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं। खान सिर्फ इनके लिए अंदर गया है कि इनका कल का जो फ्यूचर है वो इनके बच्चों का वो खुशहाल हो जाए। इमरान खान की सजा मुअत्तल हो गई, इस हवाले से इमरान खान ने क्या पैगाम दिया? खान साहब ने पहले ही कहा था कि ये मुझे कभी बाहर नहीं आने देंगे, इनकी ज़िद्द है कि उन्होंने खान को तोड़ना है, और खान की ज़िद्द है कि खान ने इनके जो 75 साल हुकूमत है इस पाकिस्तान पे, जो उन्होंने कभी अवाम को हुकूमत नहीं करने दी, इनको तोड़ना है। अब इंशाल्लाह ताला मेरा खान ही सुरखरू होकर निकलेगा और ये कौम क्या पूरी दुनिया देखेगी कि जो समझते थे हमें कोई नहीं तोड़ सका, इंशाल्लाह ताला मेरा खान इन्हें तोड़ेगा। चौधरी जुबैर अहमद कसाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुबारक हो आपको, आप अटक जेल इमरान खान को रिसीव करने पहुंचे थे, यहां आके पता चला कि एक और गिरफ्तारी है, क्या कहेंगे आप? जहां में अहले इमां सूरत खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले, कोई मसला नहीं ऐसा। ये जितना भी जुल्म कर लें, जो भी ये दास्तानें लिख लें, ये कानून और आइन की जो धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं ना इस मुल्क में, याद रखें ये तारीख में नोट हो रही हैं, ये तारीख में ये चीज़ें रकम हो रही हैं। और मर्रख जिस वक्त इनके काले करतूत और काले चेहरों के ऊपर से नकाब उतारेगा ना, तब इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आज आपने वो हुमायूं नामे का जो रिज़ल्ट था वो देख लिया, सुप्रीम कोर्ट की एक हेयरिंग में उसके कैसे परखच्चे उड़े, और उसके बाद यहाँ पर आज जो हुआ है वो भी आपके सामने है। अब ये साइफर ले आए हैं, अब इसके बाद कोई और ले आएंगे, हो सकता है किसी की कोई मुर्गी चोरी हुई हो तो वो भी आ जाए। ये जितना मर्जी कर लें, हम इन्हें सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जालिमों अपनी किस्मत पे नाजा ना हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा दुआएं हमारी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं? इसलिए खान के सिपाही
कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला पूरे यकीन ईमान के साथ अपने कप्तान के साथ। अच्छा खजाना साहब ये बताएं, हान साहब ने जो 24 दिन जेल में गुजारे हैं, आप पे भी एक मुश्किल वक्त था, कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद कभी अटक, क्या कहना चाहेंगे? और हान साहब पे भी एक मुश्किल वक्त रहा, क्या कहेंगे आप? देखें ये यकीनन मुश्किल वक्त रहा और कौमों की ज़िंदगी में ऐसे मुश्किल लम्हात आते होते हैं और लीडर का पता उसी वक्त लगता है। ये फ़र्क है लीडर में और सियासतदान में। सियासतदान वो है कि जिस वक्त उसके ऊपर थोड़ा सा कड़ा वक्त आए तो वो सियासतदान अपने प्लेटलेट्स कम करके यहाँ से भाग जाए, उसको मैकडोनल्ड्स के बर्गर याद आए। और लीडर वो है जिसको अंदर बैठे हुए भी ये याद रहता है कि मेरी कौम को उसके बुनियादी हकूक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मेरी कौम के लिए फ़ाइट की जा रही है कि नहीं की जा रही। और ये इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये जो 24 दिन की कुर्बानी है ये तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखी जाएगी। लेकिन ये 24 दिन इससे आगे भी बढ़ जाए ना, ना खान का चट्टान जैसा हौसला कम होने लगा, ना उसके सिपाहियों के समंदर जैसे खुले सीने जो है वो कम होने लगे हैं। आप यकीन करें इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में एक नया बाब, नई सुबह, नई रोशन तलू होने वाली है, इसलिए ये कोई ऐसा मसला नहीं। और जहाँ तक ये 24 दिनों की बात है, ये लोग वक़्त आएगा, आप देखिएगा हम होंगे नहीं होंगे कौन होगा, लेकिन तारीख में ये बात याद रखी जाएगी। ये इन लोगों को अपने चेहरे बाहर निकालते हुए शर्म आया करेगी, लोग इनसे मिलना छोड़ देंगे, लोग इनको देखना पसंद नहीं करेंगे जिन्होंने आज खान को 24 दिन के लिए सिर्फ इस मुल्क और इस कौम की आने वाली नस्लों के लिए आवाज़ बुलंद करने की सज़ा दी है। खान साहब को जब खबर मिली सज़ा मोतली के हवाले से और आज इमरान खान की हमशीरा अहलिया की मुलाकात भी हुई, खान साहब की क्या जज्बात थे, क्या जवाब था खान साहब का? वो था कि अपना जो रुके तो कोहे ग्रां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। अटक जेल भी याद करेगा किस दिलेर माँ का दिलेर बेटा यहाँ पर रह कर गया है। अटक की अवाम, आप इलेक्शन सुबह करवाएं, आप हफ्ते बाद करवाएं, 6 महीने साल 10 साल बाद करवाएं, ये अटक की अवाम जवाब देगी कि यहाँ कौन बब्बर शेर रह कर गया है। वो नहीं जो पिंजरों में रहने वाले अब एवन फील्ड्स के अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वो वाले नहीं, एक बब्बर शेर अटक की जेल में बैठा हुआ है, वहाँ से धाड़ता है, सारी दुनिया इस इंतज़ार में है कि जब वो धाड़ेगा तो किस किस की पेंटें ढीली होंगी, किस किस के पेट ख़राब होंगे, किस किस के गले ख़राब होंगे, किस किस के प्लेटलेट्स होंगे, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। और वो इंशाल्लाह एक तारीख रकम करके जा रहे हैं यहाँ से। बहुत शुक्रिया सर।